बहुत आनंद और हर्ष की बात है, हिंदी में होगा ये वार्तालाप या थोड़ा अंग्रेजी में होगा, मराठी में भी हो सकता है, है? तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते, 11 साल पहले की बात है, 2006 में इनको मैं अभी आप कहता हूँ, उस वक्त तुम कहता था। प्लीज मत बोलो, तुम ही हो, तुम ही ठीक है। तो चलो आपकी बात। इसका प्रोग्राम था तिलक स्मारक मंदिर में, उस वक्त कौशिकी चक्रवर्ती नाम कम से कम साउथ ऑफ द विंध्यास इतना लोग जानते नहीं थे, तो ये हमारे घर प्रणाम करने आए थे हमारे पिताजी। तो इनके पिताजी का तो बहुत अच्छा संबंध हमारे पिताजी से। उसके बाद उस 2006 में अपने सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहते हैं, उसमें इनको गाने के लिए आमंत्रित किया, वो विषय बाद में आएगा। तो आज हम कौशिकी चक्रवर्ती संगीत, उनका गाना तो सुनते हैं, तो उनका व्यक्तित्व, उनके संगीत विषय विचार, उनके असंगीत के विचार भी, उनके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और अपने जीवन को आगे कैसे ले जा रही है, संगीत को कैसे ले जा रही है, इसका कुछ पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। मैं हॉट सीट में हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा भी। जी। तो हमारे पिताजी की एक उक्ति है जो बहुत छोटा बोलते थे लेकिन उसमें से कुछ सीखा जाता था। कलाकार बनने के लिए क्या चाहिए, तो बोलते थे कि अच्छा गुरु चाहिए, अच्छा रियाज चाहिए और अच्छा नसीब चाहिए। तो इन तीनों अंगों से शुरू करेंगे। पहले तो शुरू करेंगे आपके गुरु से। आपका घराना बांग्लादेश से है ओरिजिनली, मायमन सिंह से, जैसा आपने बताया। वहाँ से आपका आपकी सारी फैमिली माइग्रेट हुई, तो ज़रा आपने पिताजी माताजी और उनके संगीत के तरफ कैसे रुचि हुई उसके बारे में जरा बताइए। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बैठना और आपके बराबरी में बैठ के संगीत के बारे में बात करने की हैसियत काबिलियत कुछ भी मेरे में नहीं है। इसकी वजह ये है, ये बोलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आज इस शहर के एक मंच पे बैठ के मैं बात कर रही हूँ और ये सब लोग सुनने के लिए, जानने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए प्यार से आए हैं, ये आपके परिवार की वजह से है। नहीं नहीं, आपके गुण की वजह। और क्योंकि मैं पुणे में बहुत बार आई, 2006 से पहले भी दो तीन बार का तो मुझे याद ही है, बहुत अच्छी तरह से याद है। पिताजी के साथ आई, गाना भी थोड़ा बहुत गाई लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं किसी ने ज़्यादा सुना भी नहीं, किसी को ज़्यादा याद भी नहीं रहा। तो ऐसा होता है, हर एक स्टूडेंट के जीवन में होता है कि आप जब कोशिश करते हैं तो कई बार वो बात बनते बनते नहीं बनती है,
फिर आपको लगता है कि शायद शायद सही नहीं गाया, शायद और अच्छा गाना चाहिए था, शायद ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था कि उसमें मैं बहुत छोटी थी कि नोटिस नहीं हुई, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलते रहते हैं और उससे इंसेंटिव मिलता है कि अगली बार और अच्छा कोशिश करेंगे, अगली बार जब मौका मिलेगा तो और बेहतर गाने की कोशिश करेंगे। तो और स्पेशली हमारे भारतीय राग संगीत का ये एक पीठ है और यहाँ पे यहाँ के ऑडियंस का, यहाँ के कलाकारों का, यहाँ के स्टूडेंट्स का, यहाँ के म्यूजिशियंस का प्यार बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। और जब पहले दो तीन बार आके उनको उनको मेरा गाना याद नहीं रहा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत दुख होता था और लगता था कि क्या करूं कि वहाँ के लोग मेरे गाने को सुने, प्यार करें, आशीर्वाद करें, क्योंकि हम बचपन से जिन जिन को सुन के बड़े हुए हैं ना उनमें से 85% 90% म्यूजिशियंस यहाँ के हैं। अच्छा। तो हमको लगता था कि वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे गाने वाले हैं कि वहाँ जाके कुछ ऐसा उनको सुनाना ज़रूरी है ताकि वो उन सबको सुनने के बाद मेरा गाना सुन रहे हैं ना, तो उनका वो एक्सपेक्टेशन जो है एक वोकल म्यूजिक परफॉर्मेंस से वो शायद मैं पूरा नहीं कर पा रही। हमारे पिताजी कलकत्ता में उनको बहुत मानते थे, तो एक बार वो गए उधर तो 7-8 दिन रहते थे, तो इनके पिताजी और इनके चाचा जी पंडित जी आ गए, तो इन लोगों को बहुत एक संगीतकारों को कई लोग थे, ग्रैंड होटल में रुकते थे हमारे, तो हमारी दुर्गा पूजा होती थी एक्चुअली, तो सुबह तो से हमारा सेलिब्रेशन चला, बाबा भी जाते थे, मैं भी चली गई रूम में, हमारी माता जी, हमारे पिताजी और एक 7-8 संगीतकार ऐसे कॉन्स्टेंटली रहते थे। कभी कभी तो हमारे माता जी कहते मन में ही कहते हूँ अरे हमें सोने दो थोड़ा लेकिन वो तो उस वक्त इनके पिताजी ये जब छोटी थी तो इसको ले आए थे और इसने गाना सुनाया था हमारो तो, प्रणाम एक भजन सुनाया हाँ। था और बहुत दूसरा अंतरा मैंने गलत ही गा दिया था, बाबा ने कहा क्या हो गया तुमको घर आते वक्त वापस, मैंने कहा भूल गई उनके सामने मैं डर से भूल गई सेकंड अंतर। तो ये आई थी आशीर्वाद लेने, इनका तिलक स्मारक मंदिर में प्रोग्राम था, उसके बाद आशीर्वाद हो गया, ये हो गया, फिर हमारी माता जी चंडीगढ़ में इनका कोई कार्यक्रम में ये गा रही थी और दूरदर्शन पे वो आ रहा था और मैं हमारी माता जी देख रही थी, अजय की लड़की इतनी बड़ी हो गई कितना अच्छा गाती है, इसको बुलाओ, तब बुलाओ, मैं मिला नहीं था इतना ही, तो हमने फोन लगा के हमारे पिताजी को दिया था। एंड देन कम्स अ फोन कॉल और फ़ोन नंबर अननोन है, तो मैं फ़ोन उठाती हूँ और दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ आती है और बोलते हैं कि हाँ कौशिकी, तो मैं हाँ कौशिकी बोल रही हूँ, तो फिर बोलते हैं कि मैं भीमसेन जोशी बोल रहा हूँ पुणे से, तो मैं फ़ोन पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ कलकत्ते में जो कि उनके पुणे से दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मैं फ़ोन पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ अपने घर में। फिर पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ पे सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव होता है आपको पता है, तो मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि मैं कैलेंडर की डेट्स चेक करती हूँ हर साल कि कब होता है वो फेस्टिवल तो मैं उनको बोल नहीं पाई कि हाँ मुझे डेट्स एग्जैक्टली पता है तो फिर उन्होंने कहा कि आप आएंगे गाने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं अभी चल पड़ती हूँ तब तक पहुँच जाऊँगी बस तो उस बार मैं आई, तो मैं ग्रीन रूम में आई और काली पांच के 2 तानपुरे बज रहे थे ऑलरेडी ग्रीन रूम में, तो ऐसा भी ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं था। तो पहुंची तो मुझे पता चला कि पंडित जी शिव कुमार शर्मा जी का कॉन्सर्ट चल रहा है और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री कुछ शूट हो रही थी जिसके वजह से वो टीम की वजह से उनका परफॉर्मेंस मेरे पहले था, तो मैंने सोचा कि अच्छा इनके बाद मुझे गाना है, तो उसके बाद पता चला कि मेरे बाद पंडित जी का है, जसरा जी का है, तो मुझे लगा कि वो आप सब मैकडोनल्ड्स गए, वो पैटी जो रहता है ना बीच में उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, तो मेरी हालत बिल्कुल वो पैटी जैसी थी, वो बर्गर के बीच में रहती है ना,
तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना भी जाऊँ स्टेज पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग चाय वाय पी के आके पंडित जी को सुन के वापस चले जाएंगे। तो फिर किसी तरह से मुझे तो भेजा गया और फिर मैं स्टेज पे बैठी। इतना बड़ा पंडाल लगा था और सब लोग बाहर जा रहे थे। मतलब 100-100 की तादाद में लोग बाहर जा रहे थे। टी ब्रेक था, नेचुरली मैं होती मैं भी बाहर जाती। कौन कौशिकी चक्रवर्ती 40 मिनट टाइम बर्बाद करिए, चलो अभी चाय पी के आते। तो सब चाय पीने के लिए बाहर जा रहे थे। तो मैं देख रही थी कि सब पीछे मुड़ के जा रहे हैं। मैं सोच रही थी भैया पहली बार है, बैठ जाओ प्लीज़। तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। तो सब जाने लगे और मैं तानपुरा मिलाने लगी। फिर गाई और फिर यू नो देयर इज़ अ सम मैजिक मोमेंट्स इन लाइफ जो मुझे लगता है कि हर एक की ज़िंदगी में आती है। जो मोमेंट्स ना आप ज़िंदगी में कभी उसको भूल नहीं सकते। और वो इतना फ्रेश रहता है कि नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दैट डे, आई कैन सी दैट इंटायर डे इन फ्रंट ऑफ माई आईज। 10 मिनट्स डाउन द लाइन सब वापस अंदर आने लगे लोग। एंड मतलब आई स्टिल, इफ आई टॉक अबाउट इट 5 more minutes आई एंड अप क्राइंग एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, सो आई विल नॉट टॉक एनी मोर। और तब स्टेज पर बैठ के मुझे वो लगने लगा। एंड देन आफ्टर 40 मिनट्स, मुझे 40 मिनट के टाइम दिए गए थे, मैंने रागीश्री गाया था। 40 मिनट के बाद मैं जब उठी तो मैं उठ के गई, आपको याद है मैं उठ के गई। तो इसका प्रोग्राम हो गया। तो ये अभी मुझे पता चला क्योंकि लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था तब इसको। और ये जो घराने की गायकी बहुत सालों से यहाँ सुनी नहीं गई पतियाले की, तो वो लोगों के लिए एक नई बात थी, ये भी था। तो ये किसी और लोक में थी, तो मैं ही स्टेज पे गया था, ए इधर उठ, और मैंने ये कथा बताई थी। और उस वक्त से हमें आनंद है कि एक नया संगीत, एक नया चेहरा लोगों को मिल गया। जरा फैमिली के बारे में बताइए। हाँ। गुरु माता, तो मुझे ये लगता है कि गुरु भी बड़े नसीब से मिलते हैं, क्योंकि मैं किसी और फैमिली में पैदा हो सकती थी और मुझे पंडित अजय चक्रवर्ती के पास सीखने के लिए भी लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी मेरा नसीब है, कुछ पिछले जन्म का कुछ होगा ज़रूर, कि मैं उसी परिवार में पैदा हुई कि पैदा होने से पहले से मैंने गाना ही सुना, गाना ही सोचा, गाना ही देखा, गाना ही जिया। और बचपन की बात है, मैं थोड़ी सी बोलना चाहती हूँ स्पेशली जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए कि हमारा परिवार ऐसा है कि बांग्लादेश में मेरे दादाजी और उनके पिताजी, उनके अंकल, जो तब जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, वो भी संगीत से कुछ रिलेटेड थे। उनकी फैमिली एक्चुअली डॉक्टर्स की थी। अच्छा। और बहुत ही इज्जतदार लोगों में गिने जाते थे वो, जो ज़मींदार है, राजा है, उनकी ट्रीटमेंट करते थे। ऐसे हमने किस्से सुने कि हाथी आती थी उनको राजा के घर में लेके जाने के लिए, तो ऐसा था वहाँ पे। और फिर बाद में 89 में 90s में हम गए भी बांग्लादेश को घर देखने के लिए, तो अभी तब तक वो घर था, एंड वाज ह्यूज हाउस। तो ऐसा जैसे कि सब बांग्लादेश से जो आते हैं बोलते हैं हमारा इतना ज़मीन था, इतना मतलब उतना आप कैलकुलेट करेंगे तो बांग्लादेश ख़त्म हो जाती लेकिन हमारा ऐसा नहीं था क्योंकि हमने घर देखा है। तो वैसे हम वहाँ गए, घर देखा, ऐसे घर से मेरे दादाजी पार्टीशन के वक्त वहाँ से देवर थ्रोन आउट ऑफ देयर कंट्री, बेसिकली देयर होम वॉज नॉट देयर होम एनी मोर, देयर प्लेस वॉज नॉट देयर प्लेस एनी मोर, देयर नेटिव यू नो देयर नेबर्स, देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिलीज, नथिंग वॉज देयर एनी मोर। तो दे केम टू वेस्ट बंगाल, देन वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल व्हेन इट वॉज डिवाइडेड, एज रेफ्यूजीज। So my grandparents were, you know, the first friends of the zamindars. From there, they became refugees, where unko khana nahi tha, ghar nahi tha. Mere dadaji ke 5 bhai hai, ek behan. To wo mere dadaji sabse bade bhai the. To wo pitaji jaise the un sab bhai behan ke liye. To 6 bhai behan aaye is desh mein. बिना कुछ, नो अश्योरेंस, नो गारंटी, नथिंग। तो ज़िंदगी बहुत
कठिनाइयों से गुजरी, खाना नहीं मिला था. मेरे पिताजी जब कॉलेज में थे तब फ्लड हुआ था इंडिया वेस्ट बंगाल में, तो 78 में 76 में. आप कलकत्ता में रह रहे थे? हाँ, कलकत्ते, मतलब कलकत्ते के सबर्ब्स में, श्यामनगर कहते हैं उसको. इट्स अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम प्रॉपर कलकत्ता. तो माय फादर व्हेन ही वाज इन हिज कॉलेज इन हिज स्कूल, तो घर में नारियल के पेड़ थे, तो नारियल बेचने के लिए जाते थे रेलवे स्टेशन पे. और मेरे दादी हैंडलूम चलाती थी. I don't know how many of you have seen, please the youngsters, I'm sure haven't seen, aaj jaake google kar lena. So my dadi used to do that, and at the end of the school my father used to come back and take those things and go to the neighborhood and sell them. So that was livelihood. And mere dada ji ek rifle factory thi Ichhapur mein, wahan pe he was the store guard, matlab store manager. Acha. तो तब वो दैट वॉज दैट चाइना दैट फाइट एंड ऑल दैट. तो वहाँ पे फिर ही वॉज ब्राइब्ड टू टेक द आर्म्स एंड एमिनेशंस आउट विच ही डिडंट वांट टू डू, सो दैट्स व्हाई ही लेफ्ट द जॉब. सो अगेन यू नो कमिंग एज रेफ्यूजीज हैविंग टू सन्स एंड नो जॉब, सो ही बिकेम अ प्राइमरी स्कूल टीचर. ही यूज्ड टू टीच इन स्कूल. सो दैट इज माई फैमिली, दैट्स हु आई एम. संगीत के तरफ आपके पिताजी का, संगीत के तरफ मेरे दादाजी का बहुत शौक था. दादाजी आपके पिताजी का इसी मंच पे उनसे बातचीत हुई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ. बोलते थे आपके दादाजी चाहते थे कि बहुत गाना, इसने गाना करना चाहिए, बहुत चाहते थे. और उन्होंने ऐसा भी कहा कि रिजर्व बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर आया था. और आप सोच सकते हैं जिनको खाना नहीं मिलता उनको रिजर्व बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर आता है मेरे पिताजी को, एंड मेरे दादाजी उसको फाड़ के फेंक देते हैं. बोलते हैं कि आप रेलवे स्टेशन जाओ और जाके देखो कि कितने रिजर्व बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं और कितने आर्टिस्ट हैं. मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो आर्टिस्ट बनेगा, नहीं तो मैं खुद अपने हाथ से मार डालूंगा. तो ये जब पेट भरा होता है तब बोलना आसान. शायद कुछ गाय वाय रखी थी, ऑमलेट. गाय था क्योंकि दूध खरीद के नहीं पिला सकते थे. मुर्गी घर में पाल रखी थी क्योंकि अंडे खरीद के नहीं खिला सकते. तो मेरे पिताजी जिस बेड पे सोते थे, वो तो पहले बेड नहीं था, वो क्या बोलते उसको, बांस को आधा चीर के ऐसा नहीं बनाते, वैसा उसको क्या बोलते उसको थोड़ा ऊपर करके ना, यू मेक लाइक अ शेल्फ लाइक थिंग विद दैट. तो उसके ऊपर गद्दे बिछा के वो उसमें पिताजी सोते थे और नीचे मुर्गियां रहती थी. तो बाबा का अलार्म वॉज सुबह के मुर्गी के कॉल, यू नो. अभी हमारे इसमें फैंसी में आते कुकुरकू टाइप अलार्म्स, लेकिन वो एक्चुअल कुकुरकूज थे. सो दैट वॉज बाबाज अलार्म. So we started from there. And आज भी अपने you know अपने in some part of our beings, in some part of our entities, our family is still there, still as grounded, still as मतलब फाइव स्टार होटल में भी मैं पैर ऊपर करके चेयर पर बैठती हूँ, तो इसीलिए ज़्यादातर रूम सर्विस ऑर्डर करती हूँ. क्योंकि रेस्टोरेंट में जाके ऐसे बैठते हैं तो लोग देखते हैं, लेकिन मुझे खाना खाते वक्त ऐसा बैठना अच्छा लगता है. सो इट्स लाइक दैट. एंड व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बिकॉज आप जब कॉन्सर्ट्स में आते हैं जनरली बहुत लाइट्स होती है, मेकअप भी बहुत होता है, अच्छे इयर रिंग्स पहनती हूँ, साड़ियाँ अच्छी पहनती हूँ, लेकिन वो सब उतना ही रियल है जितना उसके अंदर का जो इंसान है ना, उसकी रियलिटी भी उतनी ही रियल है. तो उस रियलिटी को बिना जाने हमारा कई बार ऐसा होता है, स्पेशली द यंगर जनरेशन, बिकॉज यू नो इट्स सो फ्लैशी, द रियलिटी दैट वी सी इज सो ब्लिंगी, सो फ्लैशी एट द मोमेंट, कि हमको ना मुखड़ा और मुखौटे पे फ़र्क नहीं समझ में आता है कई बार. तो मुस्कुराहट और आंसू दोनों ना मुखड़े पे आते हैं, मुखौटे पे नहीं आते. तो वो मेकअप, वो हेयर स्टाइल, वो कपड़े, अच्छी वाली गाड़ी, फाइव स्टार वाली होटल, सब सही है, लेकिन वो सब करके जो अंदर का इंसान है ना, वो घर जाना चाहता है जहाँ पे जाके ऐसे बैठते हैं. तो इसको याद रखना, उसको वैल्यू करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हम कितना भी बड़ा पेड़ बनाना चाहे ना, उसके जो रूट्स हैं ना, वो जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे वो पेड़ बड़ा नहीं हो सकता. जो वीक रूट वाले
जो पेड़ होते हैं ना वो छोटे ही होते हैं, तो बड़ा होने के लिए ना अंदर जाना ज़रूरी होता है। बाहर जितना जाने के एफर्ट्स हमको दिखते हैं वो दैट ओनली कैन सर्वाइव इफ इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द इनर प्रोसेस, द इनर जर्नी। इफ इट्स ओनली एन आउटर जर्नी देन इट बिकम्स वेरी वेरी सुपरफिशियल, वेरी फेक एंड वेरी टेम्पररी। तो इसीलिए, और ये जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी जैसा भी मैं सोचती हूँ, जैसा भी मेरा समझ, ये सब संस्कार है जो घर से मिले हुए हैं। और गाने के अलावा तालीम में ये भी था, तालीम सिर्फ ये नहीं थी कि तानपुरा लेके बैठो ये करो, क्योंकि हमारा जब हम एसआरए में आए, मैं जब पैदा हुई उसके बाद एसआरए में छोटा सा घर था और वो गराज कन्वर्टेड घर था, क्योंकि वो नीचे वाली छत थी और ऊपर वो गराज था, पहले वो कन्वर्ट करके उसको घर बनाया था। और उसमें एक ही रूम था जिसके एक तरफ बेड था, दूसरे तरफ बाबा रियाज करते थे वो वाले, और एक बाथरूम था, किचन था। तो जब क्लासेस ज़्यादा चलते थे ना तो मेरे रियाज के लिए बाबा मुझे बाथरूम में भेजते थे कि बाथरूम में बैठ के रियाज करो, आवाज़ अच्छी आएगी। तो बाथरूम में बैठ के भी रियाज किया मैंने, और उसमें कुछ खराब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके गायन में कुछ कंट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ? बाथरूम का बहुत कंट्रीब्यूशन है, रिवर बात है। बाथरूम सिंगर होने का फायदा, बाथरूम सिंगर होने का बहुत फायदा है। Thank you.